हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुफेयर चैनल। आज आम भिडियो इंडियान पॉलिटी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज डिस्कशन करा, जोटा कि आपंकर अपकमिंग ओडिशा सिविल सर्विस प्रीलिम एग्जाम और अन्य एग्जाम पे बहुत यूजफुल हे। तो आपंकर फर्स्ट चैप्टर होगी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ओके, तो भिडियो को शेष देखो, चलो भिडियो को स्टार्ट करवा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यार राइट आंसर होइछ आपनकर ऑप्शन डी, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लान टू ट्रांसफर पावर टू द इंडियंस एंड पार्टीशन ऑफ द कंट्री वाज लेड डाउन इन द। तो यार राइट आंसर होइछ आपनकर ऑप्शन डी, दैट इज द माउंटबेटन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ए रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू। तो यार राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाय कैमरल अंडर द। तो राइट आंसर है आपंकर ऑप्शन डी, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टेड इन इंडिया। तो यार राइट आंसर है आपंकर ऑप्शन सी, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एक्ट डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस। तो यार राइट आंसर होइछ आपनर ऑप्शन ए, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय वर्चू ऑफ व्हिच एक्ट टायर्ची वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो यार राइट आंसर होइछ आपनर ऑप्शन बी, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टैट्यूट for the governance of India under the direct rule of the British government was the। तो यार राइट आंसर होइछ आपनर ऑप्शन ए, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950 एज। तो यार राइट आंसर होइछ आपनर ऑप्शन डी, दैट इज द इमरजेंसी प्रोविजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which act is associated with courts can interpret the rules and regulations। the so, right answer is option c, that is the charter act of 1793। next question, the monopoly of indian trade of the east india company was abolished by the। the right answer is option b, that is the charter act 1813। next question, a separate governor for bengal to be appointed under the act। यार राइट आंसर होइछ आपनर ऑप्शन डी, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1753। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एंडेड बाय। यार राइट आंसर होइछ आपनर ऑप्शन सी, दैट इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अंडर व्हिच एक्ट द काउंसिल्स वेयर हैविंग द पावर टू डिस्कस द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। तो यार राइट आंसर होइछ आपनर ऑप्शन सी, दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड बाय। द राइट आंसर होइछ आपनर ऑप्शन डी, दैट इज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एक्ट एनेबल्ड द गवर्नर जनरल टू एसोसिएट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंडियन पीपल विद द वर्क ऑफ लेजिस्लेशन बाय नॉमिनेटिंग देम टू हिज एक्सपांडेड काउंसिल। तो यार राइट आंसर होइछ आपनर ऑप्शन B, that the Government of India Act 1861. Next question, the first definite step to provide parliamentary control over East India Company was taken by। right answer is option A, that is the Regulating Act of 1773. Next question, by which act a Supreme Court was established at Calcutta। here right answer is option A, that is the Regulating Act of 1773. The Christian missionaries were allowed to spread the religion in India under the Act। Here right answer is option B, that is the Charter Act of 1813। Next question, who was the first Governor General of Dominion of India। So here right answer is option D, that is the Lord Mountbatten। Okay, so this is the end of the question। Thanks for watching। If you like the video, please do subscribe and share with your friends। Thank you।